हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी छोले मसाला, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने इसके लिए क्या क्या तैयारी की है। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम छोले लिए हैं, इनको मैंने 8 घंटे गला दिया था। दो आलू लिए, इनको छील कर धो लिया है। अब हम इनको बॉइल करेंगे। बॉइल करने के लिए इसमें मैंने एक तेज पत्ता डाला है, आधी चम्मच हल्दी और एक चम्मच नमक और एक गिलास पानी। ये डालकर हमको इसमें 8 से 10 सीटी लगा लीजिए। आप अच्छे से पक जाने चाहिए छोले। हम गैस ऑन करके छोले चढ़ाएंगे। आप जब तक अच्छे से पक जाए छोले, 8 सीटी ले लीजिए। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए मैंने प्याज लिए हैं, 2 बड़े प्याज लिए हैं, इनको कट कर लिया। इसका पेस्ट बनाएंगे। 2 हरी मिर्च लिए हैं, 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, हरा धनिया लिया है, 4 काली मिर्च लिए हैं, 3 लौंग लिए हैं और 8 लहसुन की कलियां ली हैं, 1 बड़ा चम्मच दही लिया है, 2 टमाटर कट किए हैं, इसका भी हम पेस्ट बनाएंगे। छोटी कटोरी मैंने मूँगफली के दाने लिए हैं, 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है, 2 खड़ी मिर्च ली है, पिसा धनिया 2 चम्मच, 2 छोटी चम्मच पीसी लाल मिर्च और ये तिल लिए मैंने 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 थोड़ी सी लेनी है और ये है चना मसाला। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे तैयारी करनी है। ये देखिए मैंने पैन गरम करी है, इसमें मैं लौंग और काली मिर्च डालूँगी, मूँगफली के दाने थोड़े लेने दाने, 2 लाल मिर्च और थोड़ी सी तिल, इनको हमको रोस्ट करना है और फिर हम ये मसाले के साथ भूनेंगे। हल्का हल्का इनको रोस्ट करना है। तिल और मूंगफली, इससे हमारी जो छोले हैं वो हेल्दी भी और बहुत टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल हलवाई जैसी सब्जी बनेगी। इनको हल्का हल्का रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए ये हमारे मसाले रोस्ट हो गए अच्छे से। इसको हम जार में डालेंगे। इसी के साथ लहसुन, अदरक, प्याज, 2 हरी मिर्च लिए हमने, इनको हम कट करके डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए पेस्ट हमारा ऐसे तैयार हो गया। इसको हम निकाल लेंगे और फिर हम टमाटर की भी प्यूरी बनाएंगे। ये देखिए हमने दोनों पेस्ट तैयार कर लिए, मसाले का भी और टमाटर का भी। अब हमारी पैन चढ़ा दी हमने, ऑयल गर्म हो रहा है। इसमें मैंने 1.5 चम्मच ऑयल लिया है, थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम मसाले इसमें डालेंगे। हमारा गर्म हो गया, इसमें हम जीरा डालेंगे। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया, छोटी चम्मच। इसमें अब हम हमारा जो पेस्ट है ये डालेंगे। ये देखिए मसाला, इधर हमारे चने उबल रहे हैं, इधर ये पेस्ट डाल दिए। इसको अच्छे से थोड़ा भून लें। मसाले को ब्राउन होने तक हमको इसको फ्राई करना है। ये देखिए मसाला हमारा ब्राउन हो गया, अच्छे से भून गया है। आधे मसाले तो इसमें पहले से ही रोस्ट किए हुए थे हमने। इसमें हम मिर्च डालेंगे, पिसा धनिया डालेंगे, हल्दी और नमक तो मैंने उबलते टाइम ही डाल दिए थे। इसको थोड़ा सा भूनना है। अब इसमें हम टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। इसको थोड़ा हमको पकाना है जब तक टमाटर पक जाए। ये देखिए छोले भी हमारे पक गए, मैं हमने 8 सीटी ले ली थी, आलू छोटे दोनों पक गए। ये देखिए बिल्कुल पक चुके हैं हमारे छोले। इधर हमारा मसाला तैयार हो गए, टमाटर भी हमारे अच्छे से सीख गए, तेल छोड़ दिए। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे।
दही डालने के बाद हमको मसाले को थोड़ी देर चलाना है ताकि मसाला हमारा फट नहीं जाए, दही से फट जाता है मसाला, तो थोड़ी देर आप चलाइए जब तक ये अच्छे से पक जाए, थोड़ा तब तक इसको चलाते रहिए। ये देखिए दही भी हमारा पक गया है, तेल छोड़ दिया दही ने। अब इसमें हम पिसा गरम मसाला, ये मैंने चना मसाला लिया है कैच का, और ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसका फ्लेवर, और जो हमने मसाले भुने थे उससे इसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है, बहुत अच्छी बनती है सब्जी। ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं, अब हम इसमें हमारे छोले ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आप ग्रेवी वाली सब्जी पसंद करते हैं तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। अब हमको ढक्कन ढककर इसको थोड़ी देर पकाना है ताकि मसाले और छोले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए हमारे छोला मसाला बिल्कुल रेडी है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे, गार्निशिंग करेंगे। ये जो मैंने साबुत आलू लिए इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दम आलू जैसा इसमें टेस्ट आता है, इस मसाले के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे छोले बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आप भी बनाइए इसी रेसिपी से, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।